भाई साहब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जो ताकत अब इस्तेमाल करने वाले, जर्मन सुप्लेक्स होना ही चाहिए स्टैन की तरफ से। और कमाल की ताकत, 7 फुट के इंसान को भाई क्या ही जर्मन सुप्लेक्स दिया है स्टैन ने। और यहाँ पर इस यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द आईबीजी। तो आज हम आए हैं पी टाउन अरीना में, और यहाँ पे एक अनाउंस की गई है एक नई चैंपियनशिप जो है WWE इंटरनेट सुपरस्टार चैंपियनशिप। तो इसको हासिल करने के लिए आज जो सुपरस्टार आने वाले हैं यहाँ पे, उनको देखकर आपको शोर मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के एक्शन, एंटरटेनमेंट और धमाल हम शुरू करते हैं। स्टैन फुल फॉर्म में लग रहे हैं भाई, बंदे के आंखों में एक डर ही नहीं लग रहा है। भले उनके सामने अंडरटेकर खड़े क्यों ना हो, भाई डरने का नाम ही नहीं ले रहे। भले भले सुपरस्टार अंडरटेकर से कांपते हैं, बट स्टैन ने आते आते इनसिक्योरिटी दे दी, कमाल की शुरुआत की। और यहाँ पे सीजर की होने वाली थी, बट नहीं नहीं अंडरटेकर कैसे ये होने दे, कमाल का बिग बूट दिया था, बट क्या ही किक आउट किया स्टैन ने। और यहाँ पर एक बार फिर से इनसिक्योरिटी भाई साहब, आज फुल प्लानिंग करके आए स्टैन। हाइट तो मैच नहीं हो रही, बट पूरी कोशिश कर रहे हैं इंपैक्ट देने का। और यहाँ पर अंडरटेकर की तरफ से कमाल का लेग ड्रॉप मिल गया, और कॉम्बिनेशन में दे दिया है एल्बो ड्रॉप, और उठ गए स्टैन। जितना अंडरटेकर वार करते जा रहे हैं, स्टैन उतनी ताकत से उठ रहे हैं भाई। कमाल का नेट ब्रेकर यहाँ पर देखने मिला है हमें स्टैन की तरफ से, कोई बड़ा अटैक देखने मिल सकता है। और एक स्ट्रैटेजी प्लान, स्ट्रैटेजी अटैक करके कमाल की ड्रॉप किक दे रहे हैं, आज पूरा प्रिपेयर है लगता है स्टैन। और यहाँ पे डीडीटी, कोई फ्लाइंग अटैक देखने में, भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कोई फ्लाइंग अटैक देखने के लिए। मुझे एक्चुअली देखना है कि फ्लाइंग अटैक क्या होने वाला है स्टैन की तरफ से। और यहाँ पे कायरी स्विफ्ट अंडरटेकर की तरफ से, और एक बिग बूट, बट इंस्टेंट रिकवरी दिखाते हुए कमाल की एनजीक्यूरी। आज एनजीक्यूरी का इम्पैक्ट जो पड़ रहा है ना भाई, अंडरटेकर पर भी उठ गए। और यहाँ पे बड़ा अटैक करने जा रहे थे, बट रोक लिया, उन्हें पता था कि इतनी जल्दी अंडरटेकर नहीं हारने वाले। और यहाँ पे 619 देखने मिल सकता है, बट नहीं, ड्रॉप किक मिस हो गई यार। काश यहाँ पे 619 होना चाहिए था, बहुत एक्साइटेड था मैं। और यहाँ पे फिर से एक बार रिवर्सल करते हुए, अब क्या कर रहे हैं स्टैन, बैक पर वार करते जा रहे हैं। मैच जब से शुरू हुआ है तब से स्टैन अंडरटेकर के बैक पर ही ज्यादातर वार कर रहे हैं, और यहाँ पे लेग्स पे वार करते जा रहे हैं, और हेड पे दे मारा है अब डैमेज देने की कोशिश। ये तो सेथ रॉलिंस की टेक्निक गेम्स का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। और यहाँ पे फ्लाइंग अटैक भाई, चीयर अप कर रहे हैं पब्लिक को, और यहाँ पे फ्लाइंग अटैक देखने मिलने वाला है। और कमाल का एल्बो ड्रॉप, ये छाती पे होना चाहिए था भाई, और ये पिन, बट लग रहा है रोप ब्रेक करेंगे, इतनी जल्दी तो नहीं, लगाया था किक आउट करेंगे और वैसे ही ठीक, इतनी जल्दी तो अंडरटेकर हार नहीं मानेंगे। और यहाँ पर स्टैन अपना एटीट्यूड कम ना होने देकर कमाल का फेस बस्टर दे रहे भाई, कमाल का अटैक करते जा रहे हैं, फिर भी अंडरटेकर उठ गया। और यहाँ पे इशारा देते हुए आज स्टैन और अंडरटेकर के बैक और लेग्स पे ज्यादा वार करते जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बार रिवर्सल देते हुए फिर से एक बार, अब कोई तो बड़ा अटैक देखने मिल सकता था, बट अंडरटेकर ने रिवर्सल फिर से एक बार एनजीक्यूरी भाई, आज फुल फॉर्म में, बट नहीं 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 नहीं, ये मैच कुछ अलग ही मोड ले रहा है। और यहाँ पे अंडरटेकर की तरफ से कोई बड़ा अटैक स्नेक आई हो सकता था, बट नहीं, रोप्स पे दे मारे। और यहाँ पे पाइल ड्राइवर का इशारा कर दिया था, नहीं, क्या ही सही समय पे स्टैन बच गए, बट नहीं माने नहीं अंडरटेकर, और दे दिया है फ्लाइंग फोरआर्म भाई साहब। आज अंडरटेकर छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, बट स्टैन भी कुछ कम नहीं, जितना हो सके अपनी पूरी की पूरी ताकत इस्तेमाल करते जा रहे हैं। और यहाँ पर आ गए फिर से रिंग में, और एक बार टॉप एंगल अटैक देखने मिल सकता है, बट वहीं पे रुके, शायद से कोई तो दिमाग में उनके प्लान चल रहा है। अंडरटेकर अब तो रिंग में आ गए, लगता है यहाँ से वार करेंगे, और जैसे सोचा था ठीक, डबल एंगल एक्स दे दिया है टॉप एंगल से भाई, और उसके साथ एक रनिंग सेंटर, अब ये पिन करना चाहिए शायद से। और एक मिनट, ये तो स्टैन की डीडीटी होने वाले, पी टाउन डीडीटी होने वाले यहाँ पर। और भाई स्टैन अब देने वाले हैं पी टाउन डीडीटी, कमाल की पी टाउन डीडीटी दे दी, और ये पिन होने वाला है, 1 2, बट नहीं, इतनी जल्दी अंडरटेकर हार नहीं मारेंगे, आखिर में वो भी अंडरटेकर है। और यहाँ पे स्टैन अब बहुत ही गुस्से में लग रहे, अब शायद से छोड़ेंगे रे, फिर से एक बार टॉप एंगल में चले गए,
कोई बड़ा अटैक भाई साहब, मून सॉल्ड दे दिया। अब पिन होना चाहिए, अब ये कवर। क्या लगता है आपको, स्टैन आज मैच जीतेंगे कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि स्टैन आज वो WWE इंटरनेट सुपरस्टार चैंपियनशिप अपने घर ले जाएंगे। एक्चुअली वो इंटरनेट सुपरस्टार है, बट 100 एकर भी है, बस स्टैन इज फेवरेट। और यहाँ पे फेस फर्स्ट दे दिया है, और एक बार फिर से अंडरटेकर अब रिंग में पकड़ बनाते जा रहे हैं। बट कमाल का रिवर्सल कर रहे हैं और सीजर किक दे दिए सीधा हेड पे। इतनी दूरी से वही स्टैंड दे रहे हैं सीजर हेड किक, किसी ने सोची भी ना होगी। बट यार पलटवार करते जा रहे हैं, और यहाँ पे एक बार फिर से एनसी क्यूरी। आज एनसी क्यूरी का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ते जा रहा है अंडरटेकर पर, और ये सबमिशन में डाल दिया। और कमाल का हाथों पर वार, कोई सबमिशन देखने मिल सका भाई साहब? ये होना चाहिए। ये जो ताकत अब इस्तेमाल करने वाले, जर्मन सुप्लेक्स होना ही चाहिए स्टैन की तरफ से। और कमाल की ताकत, 7 फुट के इंसान को भाई क्या ही जर्मन सुप्लेक्स दिया है स्टैन ने। और यहाँ पर इसका इतना इंपैक्ट अंडरटेकर पे पड़ा नहीं। फिर एक बार भाई अब स्टैन देने वाले है कॉर्नर पे मार, और यहाँ पे फ्लाइंग डीडीटी होने वाली है भाई, लिपिंग डीडीटी। क्या ही ताकत और चतुराई दिखाते हुए अंडरटेकर चले गए बाहर। इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, और फिर से एक बार फ्लाइंग अटैक होने वाला है भाई साहब। आज फुल मचा रहे हैं भाई, ये बंदा फुल मचा रहा है। और फिर से एक बार टॉप एंगल पे वार होने वाला है, बट नहीं, स्टैन कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ अलग पैतरा इस्तेमाल करेंगे शायद से। और यहाँ पे चिढ़ा रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं अंडरटेकर को, और अंडरटेकर अब बहुत ही थके हुए लग रहे हैं। और फिर एक बार फ्लाइंग सीजर किक भाई सीधा हेड पे, और एक मूनसॉल्ट फ्री, और ये पिन करना चाहिए, बट नहीं। एक बार फिर से पी टाउन डीडीटी देने वाले हैं, अब लग रहा है कि मैच खत्म हो सकता है। और यहाँ पे एक बार फिर से टॉर्ड मारते हुए पी टाउन डीडीटी दे दिया अंडरटेकर को। कमाल का अटैक भाई, पूरी ताकत के साथ, और ये पिन पर चाचे रोप ब्रेक। नसीब ही खराब, और एक मून सॉल्ट फिर से एक बार, फिर एक फ्लाइंग अटैक होने वाला है शायद से, और एक मून सॉल्ट हमें देखने मिलने वाला है। और भाई कमाल की ताकत का इस्तेमाल करते हुए स्टार ने क्या ही मून सॉल्ट दिया, फिर एक बार रोप ब्रेक कर दिया है। थोड़ा सा बाहर लेकर स्टार को एक अटैक करना चाहिए था, बट नहीं, मार नहीं रहे। वो कह रहे कि वहां पे हो गए तो ठीक है, बट मेरे पास और भी पैतरे हैं। और फिर से एक बार जर्मन सुप्लेक्स भाई, नाकाम। इस बार जर्मन सुप्लेक्स होना चाहिए था, और अंडरटेकर ने फेंक दिया कॉर्नर की तरफ और दे दी है क्लोज लाइन। फिर एक बार ईस्टर्न रिकवरी दिखाते हुए यहाँ पे चॉक स्लैम होने वाला था, बट एजिक्यूरी देखे पूरा प्लान डिसमिस कर दिया। और यहाँ पे अब लेग्स पे वार करते जा रहे भाई साहब, फिर एक बार पीठ पे वार। लगता है स्टैन ने जो प्लान करके आज जो स्ट्रेटजी वो कर रहे हैं, आज वो सक्सेसफुल रहने वाली है, क्योंकि जब से मैच शुरू हुई है तब से वो भारी पड़ रहे हैं अंडरटेकर पर। और यहाँ पे एक बार फिर से फेस बस्टर स्टैन की तरफ से, और यहाँ पे एक पीट आउट डीडीटी देखने मिलनी चाहिए आखिरी। फिर एक बार पीठ पे वार, अब लग रहा है कि ये नॉन स्टॉप होने वाला है। फिर से एक, लग रहा है कि वो फिनिशर देने के बहुत ही नजदीक है। और भाई फिर से ये आखिरी होना चाहिए, बट नहीं, अंडरटेकर कह रहे दो बार हुआ, इस बार कैसे होने दे। और यहाँ पे दे दिया है कमाल का फोरअर्म, और अंडरटेकर की तरफ से रशियन लेग स्वीप। भाई साहब इतना मार खाकर भी अंडरटेकर उड़ गए, एक्चुअली वो डिजर्व करते हैं। और एक बार फिर से रिवर्सल हो गया था, बट नहीं, स्टैन हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे। और यहाँ पे डीडीटी दे दिए भाई, एक बार पीट आउट डीडीटी देखनी मिलनी चाहिए, और ये आखिरी होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस बार की जो पीट आउट डीडीटी स्टैन अंडरटेकर को देंगे उससे मैच फिनिश होगा कि नहीं? मुझे तो लग रहा है कि फिनिश होना ही चाहिए, और यहाँ पे ये आखिरी, इस बार तो आखिरी पीट आउट डीडीटी होनी चाहिए। और दे दिए कमाल की ताकत का इस्तेमाल करके पीट आउट डीडीटी, और ये पिन, ये एक, ये दो, और ये तीन, और इसी के साथ जीत गए हैं स्टैन चैंपियनशिप, और बन गए हैं नए WWE इंटरनेट सुपरस्टार चैंपियन। तो इसी के साथ हमारा ये मैच यही पे होता है। एक मिनट, लाइक नहीं किया तो कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।